हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। तो एक बहुत ही बड़ी अपडेट, 19 जुलाई के दिन डेट शीट को वापस से चेंज कर दिया गया है। जी हाँ, 19 जुलाई के दिन आपकी जो डेट शीट थी, जो जो आपका एग्जाम का डेट था, उसको चेंज कर दिया गया है। बहुत सारे एग्जाम्स की डेट्स चेंज हुई हैं। आइए देखते हैं कि एम कॉम फर्स्ट ईयर और एम कॉम सेकेंड ईयर के क्या क्या चांसेस हैं चेंजेस होने के। तो जहां तक मुझे जानकारी है कि किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये जो देखो, ये डेट शीट अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है 19 जुलाई 2022 को। तो अगर आपको इसमें सर्च करना है कि आपको इग्नू के जो एम कॉम के जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है उनकी डेट चेंज हुई है नहीं, तो उसको हम अभी फटाफट क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कंट्रोल प्लस एफ आपको टाइप करना है, फिर आपको टाइप करना है आईबीओ। आईबीओ आपका पेपर है। तो देखो, सबसे पहला एग्जाम है आईबीओ 5 का 27 अगस्त को। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आईबीओ 5 यहाँ पे 27 अगस्त को आपका सबसे पहला एग्जाम दिखेगा। उसके बाद अच्छा, इसके साथ मैं बताता चलूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए एग्जाम को लेकर के, तो आप नोट्स हमारे पास से परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते प्राइस पर अभी फिलहाल अवेलेबल है, 20% ऑफ पे। 1500 का प्राइस था, अभी सिर्फ 1200 रुपए पे आपको मिल जाएंगे 6 पेपर के नोट्स। 6 पेपर जो आपके आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 तक के पेपर हैं, सारे नोट्स आपको 6 पेपर के सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए में मिल जाएंगे। सेम चीजें सेकंड ईयर के लिए भी अवेलेबल है, मैं एमकॉम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आईबीओ 5 का पेपर मैंने आपको बताया 27 अगस्त, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था, जो प्रीवियस डेट था वही है। उसके बाद आपका अगला एग्जाम जो है आईबीओ 2, वो है आपका 29 अगस्त को, ठीक है। आईबीओ 2 29 अगस्त, देखो ये भी, इसमें भी किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। उसके बाद अगर हम बात करें आईबीओ 3 की, तो आईबीओ 3 1st of September को है, yes, आईबीओ 3 1st of September को है। आईबीओ 6 2nd of September को है, yes, आईबीओ 6 2nd of September को है। आईबीओ 4 3rd of September को है, तो yes, आईबीओ 4 3rd of September को है। एंड लास्ट पेपर आपका आ जाएगा आईबीओ 1, जो कि 5th September को है। तो yes, इसके भी डेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। तो जो भी बच्चे यू नो एग्जाम के डेट्स को चेंजेस को लेकर के परेशान थे, मैं उनको बता दूं कि उनको इनके एग्जाम के डेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। आपके एग्जाम जिस टाइम पे जिस डेट पे होने वाले थे उसी डेट पे होंगे। इग्नू एमकॉम फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें, तो सेकेंड ईयर का यहाँ पे है हमारे पास, देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, आपको टाइप करना होगा एमसीओ, ठीक है, एमसीओ। नाउ तो MCO 1 का पेपर आपका 29 जुलाई को सबसे पहला होने वाला है, तो यस 29 जुलाई MCO 1 का पेपर। MCO 21 आपको 1st of August को देना है। ये हालांकि उनके लिए जिनका एडमिशन जैन 2022 में हुआ था, वो लोग इस वाले में अपना पहला सेमेस्टर देंगे। तो MCO 21 उनका पेपर है, जो कि 1st of August को उनको देना पड़ेगा। हालांकि ये जिनका एडमिशन प्रीवियस सेशंस में है उनको नहीं देना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपका अगर सेकंड ईयर में हो एमकॉम के, अगर आप सेकंड ईयर में हो, तो आपको एमसीओ 1 3 4 5 6 और 7 ही देने हैं और कुछ नहीं देना है, ठीक है। तो एमसीओ 1 है आपको 29 जुलाई को, ठीक है, एमसीओ 21 को गोली मारो। एमसीओ 3 आपका 8 अगस्त को है, तो देखो एमसीओ 3 8 अगस्त डेट इंटैक्ट है। एमसीओ 4 10 अगस्त को है, तो यस एमसीओ 4 10 अगस्त को ही है। एमसीओ 5 12 अगस्त को है, तो जी हाँ इसका डेट भी वही है। एमसीओ 6 13 अगस्त को है, तो जी हाँ इसका भी डेट वही है, ठीक है। MCO 7 लेकिन 16 अगस्त को है, लेकिन इसके डेट, इसका जो टाइमिंग है वो दोपहर के 2 बजे का होगा, याद रखना। MCO 7 का जो आपका पेपर है, उस पेपर का जो टाइमिंग है वो 2 से 5 का है, ठीक है। टाइमिंग में बदलाव हुए हैं, टाइमिंग को ध्यान में रखो। सारे के सारे पेपर आपके एमकॉम सेकंड ईयर के पेपर जो है वो सुबह में होंगे, MCO 7 को छोड़ करके। MCO 7 का पेपर आपको दोपहर में 2 से 5 के बीच में होगा, और जो मॉर्निंग वाला सेशन है वो 10 से 1 का होता है। तो पहले 5 पेपर MCO 1 3 4 5 6 और 7 10 से 1 के बीच में होंगे, और जो MCO 7 है लेकिन ये आपका 2 से 5 के बीच में इसका पेपर होगा, ठीक है। मैं एक फ्रेश बना करके अपने ग्रुप में डाल दूंगा, आप ग्रुप हमारा फटाफट ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे मैं आपको फ्रेश एक तरीके से यू नो डेट शीट बना करके जो भी आपका एग्जाम का डेट है विथ टाइम मैं आपको वहां पे मेंशन कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बदलाव होने के बावजूद भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस जो है अभी नहीं आया है डेट्स में। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, अपनी तैयारी करते रहिए, एंड किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे यू नो वीडियो पे कमेंट करके भी। आई विल ट्राई टू आंसर दैट, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।